मॉर्निंग क्लास सेकेंड हिंदी मीडियम। अभी आपने अपने पिछले पाठ में आपको मैंने देश प्रदेश जनपद के बारे में बताया कि आप किस देश के निवासी हैं, आपके देश की राजधानी क्या है, भारत के पड़ोसी देश के बारे में बताया कि भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं, जैसे पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, म्यांमार, अफगानिस्तान, चीन, ये सब क्या है, भारत के पड़ोसी देश हैं। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं और आपका जो थर्ड चैप्टर है वो है उड़ने और ना उड़ने वाले पक्षी। पक्षी बहुत प्रकार के होते हैं, उनके पंख होते हैं, कुछ के पंख होते हैं, कुछ के पंख नहीं होते, कुछ के पंख होने के बाद भी वो उड़ नहीं सकते हैं। तो आपको क्या करना है, आपकी पुस्तबुक में देखिए उड़ने वाले पक्षियों के पंख होते हुए उड़ सकते हैं, परंतु कुछ पक्षी ऐसे होते हैं जो पंखों के होते हुए भी नहीं उड़ सकते। क्या आप नीचे दिए चित्रों को देख करके बता सकते हैं इसमें कौन से उड़ने वाले हैं और कौन से ना उड़ने वाले? तो आपको बेटा इसमें देखिए बहुत सारे पक्षी दे रखे हैं, इसमें आपको क्या करना है, जो उड़ने वाले पक्षी हैं उसमें आपको ग्रीन यानी हरा कलर करना है और जो ना उड़ने वाले पक्षी हैं उसमें आपको ब्लू कलर करना है। यानी जो उड़ने वाले पक्षी हैं उसमें ग्रीन कलर और जो ना उड़ने वाले हैं उसमें ब्लू कलर करना है। अभी आगे बढ़ते हैं और जो आपका फोर्थ चैप्टर है वो है कीट। इसे मैं आपको ब्लैक समझाऊंगी और इसके आंसर मैं आपको ब्लैक बोर्ड पर लिखाऊंगी, आप देखकर उसे फिल कर लीजिएगा। आपके बुक में फोर्थ चैप्टर है कीट। कीट बताइए क्या होती है? कीट बहुत छोटे होते हैं, ये हमारे घर के आसपास के वातावरण में मिलते हैं, देखने को मिल जाते हैं। एक किलो की प्रायः ज्यादातर किलो की छह टांगे होती हैं और ये उड़ते भी हैं। तो आप देख सकते हैं आपकी बुक में बहुत सारे कीट के चित्र दिए हुए हैं, आप ये डायग्राम देख सकते हैं। इन डायग्राम्स में अब आपको इन चित्र को पहचान कर इनके नाम लिखने की कौन से कीड़े हैं। तो आपका जो फर्स्ट नंबर पे कीड़ा है उसमें क्या बोलते हैं, मच्छर। सेकेंड नंबर में टिड्डा। थर्ड तितली। इसी तरह फोर्थ पे मक्खी, मधुमक्खी, कॉकरोच, मकड़ी, चींटी एंड सोमपंखी। तो आपको चित्र देख करके इन कीड़ों के नाम लिखने हैं। इसके बाद है आपका पाठ पांच। इसके बाद है आपका लेसन नंबर फाइव, पशु पक्षियों की बोली। लेसन नंबर फाइव आपका क्या है, पशु और पक्षियों की बोली। इसमें आपको ये आपको एक तरह से देखा जाए इसमें आपका कोई भी एग्जांपल नहीं दिया हुआ है। चीटिंग करने पे आएगी तो कुछ भी किया जा सकता है, लेकिन चीटिंग से आप अपना खुद का को आप वीक बनाते हो। आप पढ़िए, समझिए और करिए, या फिर नहीं आता है आप पूछिए तो वो ज्यादा बेटर है। तो बेटा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है दहाड़ता है। अब कौन दहाड़ता है, भेड़िया, खरगोश या फिर सिंह, कौन दहाड़ता है? तो हम फर्स्ट नंबर पे क्या लिखेंगे, फर्स्ट नंबर पे हम क्या लिखेंगे, सिंह। हम किस पर टिक मार्क करेंगे, सिंह पर। हमें किस पर टिक मार्क करना है, सिंह पर, ठीक। सेकंड है आपका म्याऊं म्याऊं करती है। म्याऊं म्याऊं कौन करता है, भैंस, मधुमक्खी या फिर बिल्ली। तो म्याऊं म्याऊं कौन करता है आपका, बिल्ली। तो आप किस पर टिक मार्क करेंगे, बिल्ली पे। फिर आपका थर्ड है भौंकता है। कौन भौंकता है, बकरी, बिल्ली या फिर कुत्ता। तो आप किस पे टिक मार्क करेंगे, कुत्ते पे। फोर नंबर पे है आपका हिनहिनाता है, बैल, सुअर या फिर घोड़ा। कौन हिनहिनाता है, घोड़ा। तो आप किस पे टिक मार्क करेंगे, घोड़ा पे। फिर है आपका रंभाती है, बकरी या फिर गाय। कौन रंभाती है, गाय, ठीक। तो हम गाय पे टिक मार्क करेंगे। फिर आपका सिक्स नंबर पे आपका फोर नंबर पे है रेंगता है। तो कौन रेंगता है, गधा। आप किस पर टिक मार्क करेंगे, गधा। फिर आपका सेवन है
घोड़ा या फिर कबूतर, गुटुरगू कौन करता है? कबूतर। गुटुरगू कौन करता है? कबूतर। नाइन नंबर पे है आपका टे टे बोलता है ची गौरया या फिर तोता, तो टे टे कौन बोलता है? तोता। ठीक है, फिर आपका है टेन नंबर पे प्यू प्यू बोलता है प्यू प्यू, कौन बोलता है? कौवा, मुर्गा या फिर चील या फिर मोर, कौन बोलता है? मोर बोलता है। कौन बोलता है प्यू प्यू? मोर। तो इस तरह से हम अभ्यास चार और अभ्यास पांच अपनी जीके की बुक में हमें पूरा फिल करना, अभ्यास चार, अभ्यास पांच और अभ्यास छह। ठीक है, आपको क्या फिल करना है? अभ्यास आपको अभ्यास चार और अभ्यास पांच। आप देख सकते हैं ये है आपका अभ्यास चार कीट और अभ्यास पांच। तो इसे आपको अपनी वर्कबुक में फिल करना है। अगर किसी को कोई चीज नहीं समझ में आ रही है तो वो जरूर पूछे। इसके बाद आपकी ड्राइंग की बुक में आपको क्या करना है? ड्राइंग की बुक में पेज नंबर 5 तक आपको पूरा वर्क कंप्लीट करना है। कहाँ तक कंप्लीट करना है? ड्राइंग की बुक में आपको पेज नंबर 5 तक आपको अपना वर्क कंप्लीट करना है। इसी तरह राइटिंग बुक में भी आपको पेज नंबर 7 तक आपको वर्क पूरा कंप्लीट करना है। ये आपका राइटिंग बुक का वर्क है। ओके क्लास सेकेंड हिंदी मीडियम। थैंक यू बच्चों।